सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम में नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्णागिरी धाम की पर्वतमालाएं भक्तों के जयकारे से गूंज रही हैं। चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम में नववर्ष के अवसर पर बड़ी तादाद में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। माता के दर्शन कर नववर्ष का प्रारंभ करने वाले माता के भक्तों के जयकारों से पूर्णागिरी धाम की पर्वतमालाएं गूंज रही हैं। मंदिर के पुजारी मोहनचंद पांडे ने बताया कि माता के दर्शन एवं पूजन कर नए साल की शुरुआत करने वाले भक्त हजारों की संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। आदिकाल में इस स्थान अन्नपूर्णा शिखर पर माता सती की नाभि का अंग गिरा था, तब से यहाँ माता पूर्णागिरी के रूप में माता सती के नाभि स्थल की पूजा अर्चना का विधान है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्ची भावना के साथ माता के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णागिरी के दरबार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और माता की बड़ी महिमा है, अपार महिमा है और जगत जननी भगवती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो सती का जो अंग जो जल करके उनने आहुति दी थी उनमें से पर एक अंग यहाँ पर भी नाभि का अंग गिरा है और जिसकी नाभि कुंड है या नाभि की पूजा होती है और लोग दर्शनार्थी लोग साल भर में आते हैं। करीब 40-50 लाख लोग दर्शनार्थी हर साल यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और हम ये चाहते हैं हमारे साल की जो शुरुआत हो मंगल में, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आते हैं और माता से अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं साल की वो माफ़ी मांगते हैं उसकी और उनसे ये कहते हैं कि हमारा आने वाला जीवन मंगलमय हो। हमें यहाँ पे आते आते हमारे फादर साहब तो यहाँ पे करीब 85 के अराउंड से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।